हेडिंग्स इन HTML। HTML में हेडिंग्स हम किस तरह से लिखते हैं? देखिए, हेडिंग्स का काम होता है हमारे कंटेंट में टाइटल्स या सब टाइटल्स के तौर पे डिस्प्ले होना। यानी कि अगर हमारे पास कुछ कंटेंट है और उस कंटेंट को हम प्रॉपरली फॉर्मेट वे में अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हेडिंग्स और पैराग्राफ्स का यूज़ करते हैं। तो पैराग्राफ्स को तो हम पहले समझ चुके हैं, बट हेडिंग्स को हमने नहीं समझा है, तो आज हम हेडिंग्स को समझते हैं। हेडिंग्स बेसिकली टाइटल और सब टाइटल्स के तौर पर डिस्प्ले होती हैं। HTML में हेडिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास H टैग होता है। इसकी रेंज H1 से लेकर के H6 तक होती है। यानी कि H1 टैग जो है ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, पेयर टैग होता है ये। तो ये जो H1 टैग है इसका काम है हेडिंग को डिस्प्ले करना, और ये H1 से लेकर के H6 तक होते हैं। यानी कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो इनको H1 से लेकर H6 तक ये 6 तरह के टैग होते हैं। इनको हम अपने हेडिंग के साइज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो H1 टैग जो है वो सबसे बड़ा साइज़ देगा हेडिंग का, और H6 टैग जो है वो सबसे छोटा साइज़ देगा हेडिंग का। H1 से लेकर H6 तक, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि H1 के बाद H2 जिस तरह से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उसके अपोजिट में हेडिंग का साइज डिक्रीज होगा। यानी कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग होगा, H1 के बाद H2 हेडिंग आएगा, तो H2 का साइज हेडिंग का वो छोटा होगा H1 के मुकाबले। तो इस तरीके से नंबर्स बढ़ेंगे और हेडिंग का साइज घटेगा। तो यहाँ लिखा भी हमने H1 डिस्प्लेस बिगेस्ट साइज ऑफ हेडिंग और H6 डिस्प्लेस लोएस्ट साइज ऑफ हेडिंग। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है? सिंपल सा है, H1 स्टार्टिंग टैग लगाइए, H1 एंडिंग टैग लगाइए, इसके बीच में जो भी कुछ आपको एज एन हेडिंग देना है आप उसको लिख दीजिए, तो वो आपका हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, H1 टैग लगाने पे हेडिंग कैसे बनेगी? जो भी कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली बोल्ड फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपना हेडिंग के तौर पर दिखाई देगा। तो हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि हेडिंग को किस तरह से यूज करते हैं। हम एक हमने यह प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम को समझते हैं। ये हमारे पास बॉडी पार्ट है, इसमें लिखते हैं हम जो भी कुछ हमको हेडिंग बनाना है तो हम उसको H टैग के अंदर रख देंगे। हमने मान के चलिए एक H1 टैग में रखते हैं हम कुछ भी, यहां लिख दिया हमने This is heading 1। क्योंकि हम H1 टैग यूज कर रहे हैं इसलिए समझने के लिए हमने हेडिंग 1 इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब देखते हैं इसका साइज क्या होगा और ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। प्रोग्राम को सेव कर दिया हमने और इसका आउटपुट देखते हैं। यह दिस इज हेडिंग 1, ये हमारे H1 टैग का आउटपुट है। अब ऐसे ही समझते हैं हम कि H2 टैग को भी लगा के देखते हैं जरा वो कैसे काम करेगा। H2 यहाँ लिख दिया हमने दिस इज हेडिंग 2। हेडिंग 2 हमने इसलिए लिखा ताकि हमको ये याद रहे कि कौन से टैग को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम सेव किया, पेज रिफ्रेश किया, H2 देखिए दिस इज हेडिंग 1, ये H1 टैग यूज किया था हमने, साइज हेडिंग का बड़ा है, और दिस इज हेडिंग 2, ये H2 टैग यूज किया है, हेडिंग का साइज छोटा है। इस तरीके से जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे हेडिंग का साइज छोटा होता जाएगा। तो हम जरा H6 तक करके देखते हैं साइज कितना घटता जाता है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इनको, और इन सबको फटाफट चेंज कर देता हूँ मैं। प्रोग्राम सेव कर दिया, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की 6 हेडिंग है, नंबर बढ़ रहा है, हेडिंग का साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हेडिंग है हमारी, चाहे हेडिंग 1 हो चाहे हेडिंग 6 हो, ये बोल्ड फेस में डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि हेडिंग हमारी बोल्ड फेस में डिस्प्ले होती है। और जबकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम उनको बोल्ड टैग के द्वारा बोल्ड करते हैं,
बी टैग जो लगाते थे हम, जैसे यहाँ पर बी टैग लगाते हैं दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, इसको मैं अगर बी टैग के बीच में रख दूँ तो ये बोल्ड बनेगा। इसको सेव करते हैं, देखिए अब ये बोल्ड बना, और अगर मैं बी टैग हटा देता हूँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा। प्रोग्राम सेव किया, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पर हमको बी टैग का यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि बोल्ड में कन्वर्ट करना है, बट हेडिंग टैग में कुछ ऐसा नहीं होता है। आप जिस किसी भी हेडिंग को यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये सिक्स है, इसको सेव कर देते हैं दोबारा से हम। तो यहाँ पर आप जिसको भी सेव करेंगे, जिसको भी सॉरी अब ठीक हो गया, चेंज हो गया इसका हेडिंग का साइज, तो आप जो भी साइज हेडिंग का यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हेडिंग टैग था। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कमेंट्स। एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं? देखिए कमेंट्स का काम क्या होता है, एचटीएमएल के अंदर जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं, जैसे ये हमारे पास कोड है, अब इस कोड में अगर कुछ ऐसा पार्ट आ जाए कि जो हमें केवल अपनी जानकारी के लिए लिखना है, हम नहीं चाहते कि वो कोड के तौर पर ब्राउज़र पर इंटरप्रेट हो। एक्चुअली जो भी एक एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, क्योंकि ये एज अ कोड आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है नोटपैड की फाइल में। लेकिन अगर मैं कुछ एक लाइन यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर या अपने कुछ कमेंट के तौर पर लिख दूँ, मतलब अपनी याददाश्त के लिए कि भाई जिसे मान के चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये हेडिंग टैग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि दिस इज़ अबाउट हेडिंग टैग, तो ये सिर्फ मेरी जानकारी के लिए रहेगा। लेकिन ये वाली लाइन दिस इज अबाउट हेडिंग टैग्स, ये लाइन पूरी एज एन आउटपुट डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए स्क्रीन पर, क्योंकि अगर मैं इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो ये डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये डिस्प्ले ना हो। अब डिस्प्ले ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से कोड का पार्ट हुआ हमारे, तो इसको कोड के पार्ट के तौर पे हमारा वेब ब्राउज़र ट्रीट ना करे। तो क्या करेंगे, हम इसको कमेंट कर देंगे। तो वो कमेंट किस तरीके से करते हैं, एचटीएमएल के अंदर कमेंट करने का तरीका सिंपल होता है, लेस देन का साइन लगाइए, एक्सक्लेमेटरी साइन, डैश लगाइए, और जहाँ तक आप कमेंट रखना है कमेंट लिखिए, उसके बाद डैश, और इसको बंद कर दीजिए, प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। इस तरह से कमेंट देते हैं, तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो कमेंट हमारे एचटीएमएल में क्या होते हैं, एचटीएमएल में कमेंट हमारे एचटीएमएल कंटेंट के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता है, और जिसका काम होता है किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को हाइड कर देना। कोई भी डेटा आप वहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी लाइन वहाँ पर आप लिखेंगे, तो उसको हाइड कर देना, ये काम हमारे होता है कमेंट्स का। वो क्यों यूज़ करते हैं, हम अपने कुछ कोड को एज अ रिमाइंडर रखने के लिए, कि ताकि हमारी याददाश्त के लिए रहे, कुछ नोट करने के लिए कि हाँ हम कुछ नोट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम बहुत बड़ा कोड जब लिखते हैं तो हमको फंक्शंस के नाम याद नहीं रह पाते, हमने ये फंक्शन क्यों बनाया है, इस लाइन का कोड हमने यहाँ पर क्यों किया है, ये याद रखने के लिए हम वहाँ पर कुछ कभी कभी कमेंट देते हैं, ताकि जब कभी हम कुछ समय के बाद अपने उस कोड को दोबारा से रिव्यू करें तो हम समझ जाएं कि ये हमारा कोड हमने यहाँ पर इसलिए लिखा था। तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स का काम यही होता है कि हम वहाँ पर कुछ कंटेंट लिख सकें एज अ रिमाइंडर इसलिए, या हम कुछ कंटेंट को वहाँ पर हाइड कर सकें, इसलिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये डैश लगाएंगे, और लास्ट में ये डैश लगाएंगे, और ये ग्रेटर देन का साइन। इन दो जगह पर जो डैश आ रहे हैं स्टार्टिंग में एंडिंग में, इनके बीच में जो भी कुछ आप लिखेंगे वो कमेंट्स हो जाएगा। अच्छा, कमेंट्स किस तरह से हाइड करता है, कमेंट्स सिंगल लाइन भी हाइड करता है, यानी जैसे यहाँ पर सामने ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। अगर आप चाहें तो पूरे किसी पेज के पूरे कंटेंट को भी आप हाइड कर सकते हैं कमेंट की हेल्प से, और यदि आप चाहें किसी एक लाइन के अंदर आधे पार्ट को भी आप हाइड कर सकते हैं अपने कोड में।
तो समझते हैं कि हमारा ये कोड कैसे काम करता है। देखिए, अब हमने यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन ये लिखी है, दिस इज अबाउट हेडिंग टैग्स। ये हमने एक लाइन लिखी है, ये हमने इसलिए लिखी है ताकि हमारी समझ में ये रहे, हमें याद रहे कि हाँ यहाँ पर हमने हेडिंग टैग की पढ़ाई करी थी। अब नीचे ये हमारा कोड है, इसका तो आउटपुट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये जो लाइन है ये एज एन आउटपुट शो ना हो। तो हमने इसको कैसे लिखा, हमने कमेंट वाला फॉर्मेट यूज़ किया, लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, डैश लगाए। ये डैश की कोई गिनती नहीं है, आप दो डैश से काम चल जाएगा, दो डैश लगा लेते हैं हम। इसके बाद वो लाइन लिखी जो लाइन हमको याद रखनी है, फिर उसके बाद हमने दो डैश लगाए और ग्रेटर देन का साइन लगाया, प्रोग्राम अपना सेव कर दिया। इसका आउटपुट देखते हैं, हाइड हो गया, यानी कि जो लाइन हमारी थी ये जो कमेंट से पहले दिखाई दे रही थी वो पहला वाला आउटपुट था, और अब इस समय ये हाइड हो चुका है क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया, आउटपुट में यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब ये तो हो गया, ये एक सिंगल लाइन कमेंट आपको जहाँ जहाँ देना है वहाँ वहाँ अपनी इस कमेंट को आप इसी फॉर्मेट में दे सकते हैं। हमने यहाँ पर फिर दे दिया, मान के चलिए हमने यहाँ फिर दे दिया, तो जितनी जगह देना चाहेंगे आप उतनी जगह कॉमेंट दे सकते हैं और वो ईजिली आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये हो गया अगर सिंगल लाइन कमेंट देना है आपको जगह जगह पर। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पूरे पेज का, इसको बढ़ा देता हूँ मैं, ये पूरा पेज का जो कोड है ये पूरा कोड मेरा हाइड हो जाए, दिखाई ना दे, तो क्या करेंगे हम इसको कमेंट के बीच में रख देंगे। कमेंट कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, और एंड कैसे करते हैं, उसकी एंडिंग ऐसे करते हैं। तो ये एंडिंग है, हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया, आउटपुट देखते हैं इसका, सब कुछ हाइड हो गया, यानी कि मैंने पूरे पेज के कंटेंट को, पूरे पेज के कोड को ही कमेंट कर दिया, पूरा कमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका क्या रहा, पूरे पेज के कोड को आप हाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर किसी एक लाइन के बीच के पार्ट को अगर हाइड करना चाहें तो ठीक है, हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं पहले, दिस इज अवर हेडिंग टैग प्रोग्राम, ये एक लाइन लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि केवल ये हेडिंग टैग वाला जो पोर्शन है ये हाइड हो जाए। अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हम आउटपुट देखते हैं पहले, इसका आउटपुट ये आ रहा है, सारे टैग काम कर रहे हैं, बीच में एक लाइन आ रही है, दिस इज अवर हेडिंग टैग प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, हेडिंग टैग को मैं कॉमेंट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे कॉमेंट लगाते हैं वैसे कॉमेंट लगाया, स्टार्टिंग और टैग के बाद एंडिंग, बस प्रोग्राम सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, दिस इज अवर प्रोग्राम। तो जो हेडिंग टैग था इतना टेक्स्ट हमारा कमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने एक प्रोग्राम के अंदर कमेंट यूज़ करके एक सिंगल लाइन कमेंट कहीं भी लिख सकते हैं, पूरे कोड को भी हाइड कर सकते हैं, और बीच में से किसी भी लाइन के स्पेसिफिक टेक्स्ट को भी हम हाइड कर सकते हैं, और जितनी जगह चाहें उतनी जगह हम कमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा कमेंट्स का और हेडिंग टेक्स्ट का।